तुझे फर्स्ट मूवी हम रिव्यू करने वाले हैं वो है द मूवी तेज। ओ भाई मारो मारो मुझे मारो खड़ा हो। ये शॉट डेफिनेटली दो पार्ट में दिया गया। हाँ, गेनर का जरूरत क्या था वहाँ पर। अरे मूवी कूल भी देखना चाहिए ना। जो भी नेक्स्ट मूवी है वो है साउथ मूवी का है जो अल्लू अर्जुन का है जिसका नाम हम लोग अभी प्रोनाउंस नहीं कर सकते, पता नहीं पा रहे कर नहीं पा रहे। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ ठीक है, नॉट बैड, अननेसेसरी बट साउथ मूवी कूल लगने चाहिए। ठीक है, आई मीन क्या कर रही है मुझे पहले ये नहीं समझा। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम एक चीज में चेस है वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ आई मीन ठीक है, वो लोग अभी अब मूव्स दिखा रहे हैं कि हमको क्या क्या आता है। तो आई डोंट नो कि इवन जब बॉलीवुड की हमने मूवीज देखे तो उसमें ऐसा था कि यू नो एक बंदा चेस कर रहा है उसके पीछे। हाँ। यहाँ चेस नहीं हो रहा, यहाँ शो ऑफ कर रहे जितने लोग आ रहे हैं, मतलब फ्लिप मार के दिखा रहा हूँ। विलन यहाँ से भागा, अल्लू यहाँ से भागा, ब्रो पकड़ना उसको, चौकी साइड से आ रहा है क्यों। मूड अच्छे की है, मूड अच्छे अच्छा ये अल्लू अर्जुन है। अभी भाग रहा है वो, अब भी भाग रहा है। सीक्वेंस पॉसिबल है लेकिन क्या करूं, रुक जा। ओके ओ भाई नहीं 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 भाई 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 नीचे आना आसान है, ऐसा ऊपर जाना हार्ड है। ऊपर जाना हार्ड है और इतना ऊपर हम जंप नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं था। कितना फास्ट है वो, अबे पूरा हैंग किया दिख रहा है वो, जरूरत नहीं था। एनीवे वो सीन बहुत ओवर द टॉप था। आई मीन इसको रिव्यू करने के लायक नहीं सीरियसली, क्योंकि वो है ही नहीं पार्कर में। आई थिंक आगे है इसमें पार्कर सीन। हां इसमें है बट वो काउंट नहीं होगा ना, वो ठीक वो काउंट नहीं करेंगे। अल्लू अर्जुन भागा वो। तूने मूव्स अच्छे लिए यहाँ पर। हाँ, जो मूव्स का सिलेक्शन है वो अच्छा है काफी, थोड़ा ओवर। भाई क्या ये गोल गोल क्यों घूम रहे। तो यहाँ पे बहुत सारा अननेसेसरी शॉट्स था। आई मीन जरूरत नहीं था, वो एक ही जगह गोल गोल घूम रहे, वो पकड़ नहीं पा रहे। हाँ ये टफ होता है बट ठीक है, लेकिन आई मीन एक ही जगह पे तू चार पांच वॉल्ट कर रहे, जरूरत नहीं था वॉल्ट का। पहले ऊपर से वॉल्ट है, देन नीचे से गया, फिर सेफ्टी, फिर क्या 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 पता। मुझे खासकर ये खराब लगा, यहाँ से वो एक अंडर बार करता है, ये अंडर बार। आई मीन अंडर बार मूव जो होता है यूज, वो तब होता है जब हमें एक ऑब्स्टिकल बीच से निकलना हो। हाँ अगर ना छोटे से तो अंडर बार नहीं यूज होता है। तो ये अंडर बार के लिए था ही नहीं पहली बात। तो वो रोल मार के गया तो सामने वाला पार्टी है जो भी एक प्रोफेशनल एथलीट है। हाँ बट फिर भी ओके, बट वो लोग एक ही जगह क्यों घूम रहे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी, आई मीन अल्लू अर्जुन को वो स्पॉट हो रहा है वहाँ पर, उसको क्लियर दिख रहा है वो मेरे पैर के नीचे से भाग रहा है। वो पैर के नीचे से भागने दे रहा है। हाँ भाग नहीं रहा है ये काइंड ऑफ हर चीज में उसने यूज किया है। हाँ, अगर एक चेस सीक्वेंस है तो इसमें इतना यू नो टर्न ट्विस्ट और नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए राइट, एक चेस सीक्वेंस है ये। वो फक फक खतरनाक था भाई। पाम फ्लिप ऐसी जगह पे कोड डालता, पाम चेस में पाम फ्लिप कोड डालता, ये बहुत खतरनाक था, बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीजें, घटिया मूव अच्छा है लेकिन घटिया मूव अच्छा है। एक्चुअली एक साइड नोट देना चाहूंगा, पाम फ्लिप एक बैक फ्लिप है जिसमें हम बॉल पे हाथ रखे बैक फ्लिप करते हैं, उसमें राज जो है एक सर पे गिरा था, सर पे गिरा था और आई थिंक कुछ सेकंड्स के लिए ना कि मिनट के लिए कुछ मिनट के लिए बेहोश हो गया था। हाँ जो बहुत कैरी था हम सबके लिए। हाँ लेकिन ऐसे हुआ था, ये बहुत बेकार यूज करने जगह नहीं था तो भी यूज कर लोगों ने। इसमें जो जगह था वो बुरा नहीं है, जगह अच्छा था, जगह काफी अच्छी चीजें कर सकते थे बट ये लोग ने सारी चीजें सेफ्टी से की। अब ये भी चीजें ना हैंग करके किया गया जो अभी किया ये नहीं। आई डोंट थिंक देख ले, देख देखो रिवर्स कर वीडियो देखो पता चलेगा। अच्छा ये पार्ट रेडी, ये सारी चीजें हैंग कर, मुझे लगा वो नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट ठीक था बट ये सारी चीजें हैंग करके करवाया गया। सारी चीजें प्रॉब्लम इज ना जब हैंग करते हैं ना मूवमेंट का वो फ्लो भी बिगड़ जाता है, वो ऐसा पूरा ऐसा हवा में लटका हुआ दिखता है, कुछ भी करेगा तो ऐसा कि हाँ कि कोई लिफ्ट कर रहा है राइट। तो जो वॉलर का जो क्लिप है यहाँ पे, नॉर्मली जब यू नो पैर दीवार को टच होता है तो यू नो हम वॉल के क्लोज आते हैं, पहली बात वॉल क्लोज आते एंड वो मूवमेंट दिखते हैं कि वो पैर की पुश से ऊपर आया। हाँ, और ये पैर के पुश, ये पैर का पुश, आई मीन इसका हिप इतना पीछे है तो हाँ पैर का पुश लग रहा ही नहीं, वो पैर का पुश है ही नहीं। तो ये काफी जो सेफ्टी है उसके थ्रू हो रहा है पार्क को, ये छोटे से डिटेल थे जिसपे आई थिंक फोकस करना चाहिए राइट।
ठीक है, ऑडियंस को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट ठीक है, हमें स्टंट का क्वालिटी मैटर करता है. टिकटॉक नॉट बैड, नॉट बैड, वेल प्लेस्ड. हीरो क्यों कर रहा है ये चेस्ट के भाई, वो चेस्ट वो ऐसे से कभी स्टाइल मार रहा है. क्यों जंप मारना ब्रो, जंप मार दे वहां से, तू पहुंच जाएगा. अरे उसके ऊपर पहुंच जाएगा, सीन यही खत्म हो जाता. ये बचपन में करते थे हम. हाँ, और सीन यही पे खत्म हो जाता, सीन वहीं पे खत्म हो जाता था. अरे इसीलिए नहीं कर रहा है, सीन खत्म हो जाता था ना. ये सारी चीज सही थी. ओके, ये सीन से मुझे दुश्मनी है. कितना कितना फ्लोट था, काफी. आई थिंक एक सेकंड, ये रिवर्स करो. उन्होंने हाइट दिखाया नहीं इसमें भाई. बिल्डिंग देख कहाँ कहाँ दिख रही है. ओके, बिल्डिंग देख कहाँ दिख रही है. ओके, बहुत ऊपर, सात आठ फ्लोर. सात आठ फ्लोर नहीं होगा. अब तू हाइट देखना, दोनों बिल्डिंग को कंपेयर कर, कितना है वो, थोड़ा बहुत दिख रहे हैं. ओके, अब ये सीन में क्या होता है. ओके ओके, तो यहाँ पर आलू अर्जुन डरता है. हाँ. डर रहा है ना हाइट की वजह से. हाँ. तो डर पे नॉर्मली हम इसे पकड़ कर धीरे धीरे उतरेंगे. अल्लू अर्जुन नहीं करता है. अल्लू अर्जुन अल्लू अर्जुन करता है, वो है गेनर वाला. जंपली मारा उसने, जंपली मारा गेनर वाला. तो गेनर एक बैकफ्लिप है जिसमें हम आगे जाते हैं बैकफ्लिप में. ये नहीं करना चाहिए था यहाँ पे. गेनर, ओके, आई मीन गेनर के, गेनर इट्सेल्फ की टेक्निकलिटी में प्रॉब्लम थे. आई मीन वो चार पांच राउंड घूमता जिस हिसाब से मारा है उसने, चार पांच रोड घूमता. ठीक है ना, लेआउट पे मारे. लेआउट मतलब यू नो, कितना फ्लोर है वो, उतने लेआउट से मारा तो तीन राउंड घूमेगा. लेकिन अच्छा, एक अगर हमें किसी हाइट से जंप मारने को डर लग रहा है तो फ्लिप मारना और ज्यादा डर लग रहा है. अब इम्पॉसिबल होता है अगर सिर्फ जंप मारना डर लग रहा है. और वो जहाँ पे किया है ना, चार या पांच फ्लोर तो कंपलसरी होगा ही होगा, 100% है. और उतने ऊपर से गेनर मैंने नहीं देखा है, किसी ने लोगों ने मारा है. सात फ्लोर है वो. कितना है, ज्यादा ही हो, पता नहीं लेकिन ज्यादा ही हो, देखना तू. और ओके, यहाँ पर एक और टेक्निकल प्रॉब्लम, प्री किया उसने. नहीं, गेनर में प्री किया गाड़ी के ऊपर. प्री का नहीं, ये देखना, अगर हम यहाँ से नोटिस करेंगे तो ये काफी पास है दीवार का. हाँ. और इसमें दोनों स्टंटमैन ने प्रॉब्लम किया है. हाँ, यहाँ लोग जंप बहुत दूर तक लिया है. हाँ, तो वो लैंडिंग सीन कट किया हम लोगों ने, बस बात खत्म. लैंडिंग पॉइंट भी खत्म. ये सीन में भी अगर उसने फॉरवर्ड मोमेंटम, इतना सारा फॉरवर्ड मोमेंटम यूज किया है तो गाड़ी से आगे जाना चाहिए, काफी आगे जाना चाहिए, अर्ली रोड पे लैंड करना चाहिए. ये नहीं होगा. लैंडिंग अच्छा किया लेकिन ना. हाँ. लेकिन सात फ्लोर के ऐसे लैंडिंग नहीं ले पाते. अल्लू अर्जुन भाई एंड देन भागा भागा एंड गेनर, वो स्टैंडिंग गेनर था पहली चीज, तो स्टैंडिंग गेनर था. I mean, उसने गेनर मारा नहीं है रोप से, यू नो वायर है उस पर. लेकिन स्टिल स्टूपिड, नो डोंट डू दिस, प्लीज मत करो यार ऐसे. अच्छा प्रिसीजन नहीं कर पाया, ओके इसलिए गिर गया. सही था प्रिसीजन नहीं कर पाया. प्रिसीजन नहीं हुआ, बाकी सारे मूव सही थे उसके. खड़ा भी हो गया इतने ऊपर से गिरने के बाद. हाँ चलो, लेजी वर्ड यूज किया इस चेस सीक्वेंस में वो. ओके, वो सेट क्यों किया ना. हाँ आई मीन चेस सीक्वेंस है, विलन तेरे आगे है तो उस साइड क्यों, तूने वॉल गया क्यों, तो उधर उसकी मर्जी. अरे लेकिन लॉजिक क्या है ब्रो, अरे उधर क्यों गया. हाँ, और ये रुक के सुख देख रहा है, और रुक के टिकटॉक किया, वो रुक के देखा इसलिए टिकटॉक किया उसने. देख भाई मेरे को भी आते देख के जाए, एक मूव तो देख के जाए, ये देख के जा. ये वॉल्ट से अच्छा किए. ओके, आई थिंक चेस सीक्वेंस यहीं खत्म होता है अपना. बैंग हो गया, चेस सीक्वेंस खत्म. ओके, ओवरऑल रिव्यू, ओवरऑल रिव्यू मैं देता हूँ. पूरा सेफ्टी से किया है अल्लू अर्जुन, खतरनाक. अगर देने का ना, खतरनाक गेनर मारा उसने, और कुछ चाहिए. और उसका प्री नहीं हुआ बस, नहीं तो बाकी सब सही था. गेनर प्री होता था तो उन्होंने ट्राई भी अच्छे से यूज करने का, लेकिन कर नहीं पाए, गंदा कर दिया पूरा, गोल गोल घूम घूम के.
बहुत सारे सिंगर देखे जैसे अभी जो तू बोला था वॉलर ने या तो उन्होंने लिफ्ट किया तो मतलब पूरा जो सही फील आना चाहिए ना जो वॉलर जो वॉलर वो पुश पुश लग रहा है बस के फेदर जैसा लग रहा है वो मेंटेन नहीं किया जो फ्लो मेंटेन करना चाहिए जैसा होना चाहिए पार्कोर एथलीट काफी अच्छा था जो एथलीट उन्होंने यूज किया एथलीट अच्छा था डायरेक्शन बेकार था ओके डायरेक्शन बेकार था डायरेक्शन बेकार था टोटली बेकार था बहुत बेकार था जो मतलब अननेसेसरी मूव कोई भी चीज सहाय हर जगह चीजें बेकार थी लोकेशन लोकेशन अलग लेवल था लोकेशन लोकेशन बहुत अच्छे बहुत अच्छा था 100 यूज अच्छे से कर सकते थे इतने जरूरत नहीं था इतना गोल घूमने का पहली चीज है रिसोर्सेज इनके पास मैट्स इनके पास सेफ्टी मैट्स इनके पास रिसोर्सेज इनके पास स्टंट डायरेक्टर्स है सब कुछ है तो उन लोग ने इसलिए तो सब कुछ सेफ्टी से कर दिया नहीं ठीक है सेफ्टी से कर दिया तो आई थिंक अगर इतना चीज इतनी चीजें अवेलेबल है तो ना थोड़ा बेटर सीन शूट हाँ बेटर सीन शूट कर सकता था हर चीज लटका करेगा तो बेकार रहेगा भले इस जो अलू अर्जुन है उसकी जगह पे एक स्टंट बॉडी डबल को यूज बॉडी डबल को यूज करो बॉडी डबल को यूज करो अच्छा दिखे राइट अलू अर्जुन को यूज किया हैंग करके जा तो बेकार लगा क्या पता हो जो स्टंटमैन है उसको भी शायद किया हो पता नहीं वो दिख नहीं रहा गेनर क्यों गेनर हो गया जो स्टार्टिंग पे वो जो गेनर क्यों स्टार्टिंग पे जो लैडर क्लाइम कर रहे हो लोग ऐसा वो कितना बेकार था वो तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऊपर से खींच रहा है तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगला जो हमारा वीडियो है उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम हॉलीवुड मूवीज को रिव्यू करेंगे तो अगर आप चाहते हो कि हम एक ऐसे वीडियो बनाए जिसमें हम हॉलीवुड मूवीज को रिव्यू करें तो प्लीज मेंशन इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और कौन सा जो सीन है हॉलीवुड मूवी का हम लोग उस पर रिएक्ट कर सकते हैं इसमें पार्कोर चेस हो अगर तो, हाँ अगर आपको कोई मूवी ऐसे लगता है तो प्लीज मेंशन कीजिएगा हम उसे भी रिव्यू करेंगे और जो बाकी टीम्स है इंडिया के उन्हें हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया तो प्लीज जाके उनके भी चैनल्स को चेकआउट करना पार्कोर इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं काफी अच्छे क्वालिटी के एथलीट आ रहे हैं तो प्लीज डू दैट और सब्सक्राइब कर लाइक कर दो सब्सक्राइब कर प्लीज सब्सक्राइब कर देना बहुत मुश्किल से हम वीडियो बनाते हैं हाथ पैर तुड़वा कर